हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। तो किड्स के लिए हमने फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने टॉप पार्ट सबसे पहले कट करनी है। तो टॉप पार्ट को हमने अलग कर लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम 9 इंच रखेंगे और यहाँ हमने 4 फोल्ड में कपड़े को फैब्रिक को रख लिया है। टॉप पार्ट की फ्रंट पार्ट को अलग रखा है और बैक पार्ट को अलग रखा है। बैक पार्ट पे जिप लगाएंगे तो इसके लिए जिप के पार्ट हम अलग से थोड़ा ज़्यादा रखा है। यहाँ हमने ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। ये है फ्रंट पार्ट और नीचे की तरफ है बैक पार्ट। ये बैक पार्ट है और यहाँ हमने तकरीबन 1 इंच ज़्यादा रखा है। जिप टच करेंगे पीछे के पार्ट पे। तो फैब्रिक टॉप पार्ट की लेंथ हमने 9 इंच दिया है और ये देखिए हम इस फ्रॉक की मेजरमेंट से बनाएंगे। तो इसकी चेस्ट की साइज है यहाँ 11 इंच, तो 22 इंच है फ्रॉक की। तो इसे इसकी हिसाब से हम बनाएंगे। तो यहाँ से हम जहाँ फ्रंट पार्ट की को रखा है वहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे 4.5 इंच। शोल्डर की निशान हम 4.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ 2 इंच पे नेक की निशान लगाएंगे। और आर्म होल देंगे 4 इंच। आर्म होल हम 4 इंच लेंगे। तो आप चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट की नाप हम बैक पार्ट को अलग रखे यहाँ से फ्रंट पार्ट जहाँ रखा है वहां से लेंगे। तो यहाँ हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे चेस्ट की और बाकी हम मार्जिन रखेंगे। नीचे की तरफ वेस्ट पे भी हम सेम मेजरमेंट लेंगे। अब हम इसी निशान पे कट कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच हमें डाउन देना है शोल्डर पे। तो 1/2 इंच डाउन हमें करके कट कर लेंगे। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रंट नेक हम बी नेक रखेंगे। तो फ्रंट नेक की डीप हम देंगे 3 इंच। और वी शेप देके हम कट कर लेंगे। और बैक नेक को हम अलग से कट करेंगे। तो बैक नेक की डीप हम देंगे 2 इंच और 2 इंच देके हम राउंड शेप में कट कर लेंगे नेक को। अब हमारा टॉप पार्ट कट हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट की कट करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने इस फैब्रिक को लिया है। यहाँ हमने जितना भी फैब्रिक है सब ले लेंगे और इसको एक्स्ट्रा जो इसको सीधी करके हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी लेंथ ज़्यादा ले सकते हैं तो गैदर ज़्यादा आएगा। तो हम इसी फैब्रिक से गैदर करके बनाएंगे। तो यहाँ से भी हम तिरछा जो है उसको कट के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने जितना है सब फैब्रिक को ले लिया। तो हमारा फैब्रिक का लेंथ है ये देखिए लेंथ है 23 इंच। आप चाहे इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं तो प्लीट्स अच्छे से आएगी, ज़्यादा गैदर आएगा। और लेंथ हम रखेंगे 10 इंच। बॉटम पार्ट की लेंथ 10 इंच है। तो 10 इंच पे निशान लगा के हम इसको कट लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब हम इस फैब्रिक में इसी तरह से छोटे छोटे प्लीट्स डालेंगे। तो इसी तरह से चुनौते डालेंगे छोटे छोटे से। अब हम इसके अंदर अस्तर डालेंगे
तो ये फैब्रिक थोड़ा हल्का है, कॉटन फैब्रिक में थोड़ा हल्का फैब्रिक है, इसके लिए इसके अंदर अस्तर डालेंगे। तो अस्तर के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, कॉटन लाइनिंग लिया है हमने। तो इसको इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऊपर में जो हमने मेन फैब्रिक को कट किया है उस सबको ऊपर रख के अच्छे से सेट करके रख के हमने इसी तरह से रख के कट कर लेंगे सेम बराबर। अब बटन पार्ट के अस्तर को भी हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से फोर फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, इस तरह से एक फोल्ड करना है और एक फोल्ड करना है, और इसको हम टॉप पार्ट की वेस्ट की मेजरमेंट लेके हम अम्ब्रेला शेप में इसकी कट कर लेंगे। इसी तरह से शेप देंगे हम, शेप देके हम अम्ब्रेला शेप में हम अस्तर को कट करेंगे। और यहाँ से हम नीचे की तरफ 7 इंच लेंथ देके हम इसी तरह से राउंड शेप में इसको भी मेजरमेंट 7 इंच पे इसी तरह से निशान लगाते हुए हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए हमारा हो गया है कट। अब सब पार्ट को कट हो गया है, सब पार्ट की कट हो गया है, अब स्टिचिंग करनी है। तो ये है टॉप पार्ट, फ्रंट पार्ट की टॉप पार्ट। तो इसको हम ये देखिए सीधी तरफ है, और सीधी तरफ इस तरफ से अस्तर के ऊपर रखे हमें इसकी नेक की स्टिचिंग करनी है और आर्म होल की स्टिचिंग करनी है। हम स्लीवलेस फ्रॉक रखेंगे, तो इसके लिए हम आर्म होल में भी अस्तर के साथ अटैच करके अंदर की तरफ इसको पलट देंगे। तो सेम हमें बैक पार्ट को भी इस तरह से अस्तर को रख के हमें स्टिचिंग करनी है, शोल्डर नेक एंड आर्म होल में भी। और बैक पार्ट को हमने इस तरफ से मिडिल में कट करेंगे, तो मिडिल से हमें दोनों तरफ से स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है नेक पे इस हमने, और आर्म होल में छोटे छोटे कट्स देंगे हम इसी तरह से, और इसको पलट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी करनी है, और अब सीधी कर लिया। अब हमें बैक पार्ट पे जिप लगानी है, तो जिप को हम अटैच करेंगे, और जिप को लगाने के बाद हम इसी तरह से दोनों पार्ट्स की जॉइंट देंगे। शोल्डर पे जिप लगाने के बाद हम शोल्डर पे स्टिच करेंगे और बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगाएंगे। तो अब पहले जिप लगा लेते हैं। तो ये देखिए जिप को इस तरह से रख के यहाँ से स्टिचिंग करनी है। तो ध्यान से देखिए जिप को हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम साइड से जिप की साइड से और टॉप पार्ट की इस तरह से साइड से एक स्टिच लगा देंगे। अब हमें ये इसको जिप जहाँ है जिप को इस तरह से अच्छे से ये देखिए इस तरह से खोल के हमें एकदम किनारे से हमें स्टिच लगानी है।
और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा जो जिप का पार्ट है उसको हम कट के अलग कर लेंगे, थोड़ा रखेंगे अंदर की तरफ डाल के हमें स्टिच करना है। तो अब इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, और इस जिप की पार्ट की ऊपर की पार्ट को हम इसी तरह से अंदर डालेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। तो अब हमारा जिप लग गया है, ये देखिए जिप हमारा रेडी हो गया है। अब हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा जो जिप रह गया है इसको हम कट लेंगे। ये देखिए इनविजिबल जिप हमारा बहुत ही अच्छे से लग के बन के आया है, इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। अब हमें शोल्डर पे स्टिच करना है और बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग करनी है। अब हम ये देखिए इसको टॉप पार्ट को स्टिच कर लिया है, इस तरफ साइड से भी स्टिच कर लिया है और शोल्डर की स्टिचिंग भी कर लिया है। अब हमें नीचे की पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से अस्तर है, ये अस्तर के साथ हमें मेन फैब्रिक को अटैच करनी है, मेन फैब्रिक को गदर करके मेन फैब्रिक को अटैच करनी है। इसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है। और ये देखिए हमने अस्तर के साथ अटैच कर दिया, मेन फैब्रिक को हमने गदर भी कर दिया। इसी तरह से छोटे छोटे प्लीट्स आए हैं। तो और ये देखिए हमने वेस्ट पे लगाने की बेल्ट भी रेडी किया है। इसी तरह से दो बेल्ट रेडी किया है हमने। और ये देखिए बेल्ट की लेंथ हमने 20 इंच रखा है और विड्थ हमने 1 इंच रखा है। तो 2.5 इंच फैब्रिक लेके हमने इस बेल्ट को रेडी किया है। तो इस तरह से ये बेल्ट लगेगा वेस्ट पे। अब हम इस फ्रॉक को और भी यूनिक दिखने के लिए और भी ब्यूटीफुल लगने के लिए इस लेस को लिया है। इस लेस से हम इस ग्रीन पार्ट को अलग कर लेंगे और इस गोल्डन पार्ट को हम लेंगे और लेके हम इसकी वेस्ट पे लगाएंगे। फ्रॉक की फ्रंट पार्ट पे हम इसको लगाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे हम इस बेल्ट को। तो यहाँ से हमने कट कर लेंगे और ग्रीन पार्ट को हटा देंगे और इसको अटैच कर लेंगे टॉप पार्ट की वेस्ट में। तो ये देखिए हमने इसकी बेल्ट को भी लगा दिया है और इस गोल्डन लेस को भी अटैच कर लिया है। अब हमें बॉटम पार्ट को अटैच करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बॉटम पार्ट की अटैच करनी है। अब ये देखिए हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमने जिप इस तरफ से जिप लगाया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनके रेडी हुआ है फ्रॉक। अब हम इसकी नीचे की पार्ट में हम हेम स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और इस ड्रेस मेकिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और यहाँ से हम हेम स्टिच करेंगे नीचे की तरफ और अस्तर जहाँ लगाए अस्तर के नीचे की तरफ हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगानी है। और
फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी और भी नए नए वीडियो आप देखने के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।